नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में जिस प्लांट को अगर आप एक बार आपके गार्डन में लाके लगाओ तो एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं अपने आप। इसके लिए ना ही कटिंग की ज़रूरत है और ना ही सीडलिंग्स करने की ज़रूरत पड़ता है, एक प्लांट से ही कई सारे प्लांट बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लांट आपके सामने है यह है मैक्सिकन पिटूनिया। बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये बहुत सारे फ्लावरिंग करते हैं एक साथ। पूरे साल भर ही ऑलमोस्ट ये फ्लावरिंग करते हैं और रूट से ही नए नए से प्लांट्स बनने लगते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कलर है इसका और ये परमानेंट प्लांट है। इस पौधे को आप पूरे साल भर फुल धूप में भी रख सकते हो। थोड़ी सी बड़े पॉट पे इसे ग्रो किया कीजिए क्योंकि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं बहुत ही कम समय के दौरान। हर दिन वाटरिंग इसको जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है रजनीगंधा, मतलब ट्यूब रोज। इस पौधे पे भी एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं एक साल के अंदर ही और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग करते हैं। स्टिक की तरह निकलता है और उसमें फ्लावरिंग होता है। एक स्टिक लंबा, मतलब 3 से 3.5 फीट तक लंबा हो सकता है। ये बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट है। इसके एक प्लांट अगर आप लाके लगाओ तो एक से ही बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। दोस्तों, इन सब पौधों को आप थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाया कीजिए क्योंकि सभी प्लांट रूट से ही बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं अपने आप, तो इसको थोड़ी सी बड़े पॉट की ज़रूरत होता है। और इसे भी आप फुल सनलाइट पे रख सकते हो, ऑलमोस्ट पूरे साल भर इसमें भी फ्लावरिंग होते हैं। खाद के रूप में मैं इन सब पौधे को मास्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसके अलावा आप DAP या फिर आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 12 इंच पॉट के लिए 1 टीस्पून काफ़ी है। नेक्स्ट प्लांट है मोगरे की प्लांट। डबल पेटल में फ्लावरिंग करते हैं, ये जैस्मिन का ही एक वैरायटी है। इस पौधे को भी आप थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाइए क्योंकि इसमें भी एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं रूट से। इसे भी आप फुल सनलाइट पे रख सकते हो, पूरे साल भर ऑलमोस्ट फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है और इसे आप हर रोज़ वाटरिंग जरूर किया कीजिए। फ्लावर से बहुत खूबसूरत से सुगंध निकलते हैं, तो इस प्लांट को भी आप अगर अभी तक आपके गार्डन में नहीं लगाए तो जल्दी से लगा लीजिए। गुच्छों में फ्लावरिंग होता है लेकिन फ्लावर जो है एक से ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं प्लांट पे, एक दिन में ही ये झड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी फ्लावर गुच्छों में होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और वाइट कलर में ये फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जारबेरा। बहुत सारे कलर्स पे आते हैं ये। इस प्लांट को भी आप थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाइए क्योंकि रूट से कई सारे प्लांट्स बनते हैं और पौधा ज़्यादा लंबा होता नहीं है। थोड़ा फैला हुआ पॉट हो तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं। लेकिन एक बार अगर फ्लावर खिल जाए तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक रहते हैं प्लांट पे। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स पे ये फ्लावरिंग करते हैं और मेरे पास भी 3 या 4 कलर है और ये प्लांट पूरे साल भर फ्लावरिंग कर सकता है। तेज़ धूप में रहने वाले प्लांट है, थोड़े बहुत पेस्ट का भी अटैक होता है इसके ऊपर, लेकिन वाटरिंग लिमिटेड किया कीजिए नहीं तो प्लांट्स आपके ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है लिली के प्लांट। ये भी बहुत सारे कलर्स पे आते हैं, स्टिक की तरह निकलता है और फ्लावरिंग होता है। एक स्टिक पे मैक्सिमम 3 या 4 फूल खिलते हैं लेकिन फूल जो है बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे, एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक रह जाते हैं। बहुत सारे कलर्स के वैरायटीज़ पे आते हैं और मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही वैरायटी है लेकिन एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। इसे भी आप थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाइए क्योंकि जैसे कि मैं बताया एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं तो आपके 1 से 1.5 साल के अंदर ही आपके 12 इंच पॉट भर जाएंगे इस प्लांट से। तो थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाते हो तो अच्छे खासे फ्लावरिंग मिल सकता है इस पौधे से भी। नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है यह है कुंदो। बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं एक साथ, बहुत सुंदर से खुशबू भी निकलता है, वाइट कलर में फ्लावरिंग करता है। ये बहुत ही लो वाटरिंग प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादातर पेस्ट का अटैक इसके ऊपर होता नहीं है। 12 इंच पॉट पे आप इसे ग्रो कर सकते हो। प्लांट 3 से 4 फीट तक लंबा हो जाता है अगर आप इसे 12 इंच पॉट पे लगाते हो तो।
तो दोस्तों ये तो था कुछ प्लांट जिसे आप थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाइए तो मिल सकता है बहुत सुंदर से रिजल्ट, क्योंकि ये सब प्लांट रूट से ही बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हैं अपने आप, तो इस सब प्लांट को कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये तो था छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।